अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर नाही दस्कर। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। किंगडम उर्दू सीरीज में मुगर्स का जो सबक आज हम पढ़ेंगे वो है शाह शीन। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, शीन की मुकम्मल शक्ल भी है और शीन की छोटी शक्ल भी है। इसमें सिर्फ तीन शोशे बनाने हैं, ऊपर नुक्ता लगाना है। तीन शोशे आपने बिल्कुल सीन की तरह बनाने हैं, लेकिन अलामत याद रखनी है क्या कि इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, शाशीन। शाशीन से शुरू होने वाले कौन कौन से अल्फाज हैं, सोचिए जरा आपने ज़हन में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ एक बच्चे की। उस बच्चे की कहानी में आपको शीन से शुरू होने वाले बहुत से अल्फाज मिल जाएंगे। उस बच्चे का नाम भी शाशीन से शुरू होता है। शायान को भूख लगी थी। शायान ये बच्चा जो किचन में आया, इसको भूख लगी थी। वो किचन में गया, वहाँ उसने दरख्त की एक शाख को खिड़की में देखा। उसने वहाँ शरबत, शलजम और शहद को देखा और वो खुश हो गया कि अब तो उसको खाने को बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी ना। तो अब हमने इस छोटी सी कहानी में कौन कौन से अल्फाज शीन से शुरू होते देखे, शायान, जी बिल्कुल शायान और शाख। शाख शीन से शुरू होता है, शरबत, शलजम और शहद, बहुत सारे अल्फाज, और खुश में भी शीन है। खे से शुरू होता है लेकिन इसके अंदर पूरा शीन है, खुश में शीन पूरा है और बाकी में शीन की आधी शक्ल। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कितने मज़े की कहानी पढ़ी और कितने मज़े की कहानी देखी कि शीन के कितने ज़्यादा अल्फाज इसके अंदर इस्तेमाल हुए। हमारा आज का सबक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।